मुझे कार क्यों नहीं चलाने देते? बोलते हो कि मैं क्लच और गियर नहीं डाल पाऊंगा। ए तुम भी देखना, एक दिन मैं रॉकेट को भी चंद्रमा के चारों तरफ बैक गियर में उड़ाऊंगा। मान जाओ भैया, मुझे करने दो। वैसे गाड़ियों में एक ही रिवर्स गियर क्यों होता है? देखो मैं काम में बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बिना गियर की कार अभी तक नहीं बनाई गई। देखो चाहे कार हो या आदमी हो, दोनों को आगे बढ़ने के लिए गियर की जरूरत पड़ती है। मतलब अभी इस उम्र में तुम बात नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर कटिंग प्लायर रखा था, कहाँ गया? ए मुझे नहीं पता। ये तुम अपना हाथ पीछे क्यों रख लेते हो जब तुमसे कोई पूछता है तो? हफ्ते भर से ज्यादा हो गया तुझे कार दिए हुए, अभी तक तूने बना कर नहीं दिया, क्या हुआ? एक मुंह पे मारूंगा तेरे। मेरे भाई से इज्जत से बात किया कर। अरे चुप हो जा, धंधा चौपट करेगा क्या तू मेरा? भाई कल गाड़ी ठीक करके दे दूंगा आपकी, इसकी कसम खा के कहता हूँ। नहीं ठीक की तो समझ लेना। ठीक है भाई, इस तरह गुस्सा नहीं करते, ये धंधा है, ऐसा सब चलता रहता है। बस थोड़े दिन की बात और है बेटी, उसके बाद मैंने हमारे गांव में एक हाईटेक स्कूल खोलने का पूरा प्लान बना लिया है। फिर मैं तुम्हें खुद वहाँ छोड़ने जाया करूँगा, ठीक है ना? खुश तो हो ना? वेरी गुड। ठीक है ठीक है। उसे यहाँ किसी स्कूल में भेजने के अलावा आप उसे दूर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हो क्या? अब उसके जाने के बाद बैठे बैठे मिस करना। विभा। हाँ पापा। तुम क्या कर रही हो बेटी? पापा ये ना मेरा फेवरेट फूल है, इसीलिए इसका पूरा ध्यान रखना, जब भी मेरी याद आए तो इससे बात करना, ठीक है ना पापा? बिल्कुल मेरी बच्ची, तुम्हारी तरह देखभाल करूँगा। लव यू पापा। मेरी प्यारी बच्ची। मम्मी दिवाली को मेरे सारे फ्रेंड्स घर आ रहे हैं। ए कुट्टू, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? जाऊंगा ना पापा, यूनिफॉर्म पहनी है, दिखता नहीं। चंद्रपा ये अपने स्कूल से ज्यादा मेरे गैरेज पर आता है और इतने सवाल करता है कि मेरा काम मुश्किल हो जाता है, और मैं गांव का नंबर वन मैकेनिक होने के बाद भी इसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। बिल्कुल सही कहा भाई। अरे गैरेज वाले, वैसे पूरे गाँव में सिर्फ एक ही गैरेज है ना, और ऊपर से तुम सबसे कहते फिरते हो कि तुम ही हो नंबर वन मैकेनिक। पापा मुझे भी ऐसी कार चाहिए। ओहो तो तुम ये कार देखने आए थे, मुझे लगा उस लड़की को देख रहे हो। कार को देखना छोड़ और उस लड़की को देख, फिर तुझे कार और लड़की दोनों मिलेंगी, उसके बाद ड्राइव करना। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, सुन लो रे जानवरों की औलाद, तुम खुद तो जानवर की तरह रहते हो, कम से कम इस छोटे बच्चे को तो मत बिगाड़ो। देखो हम तो उसे बच्चा ही समझते हैं, लेकिन उसकी सोच हम लोगों से भी ज्यादा ऊंची है। अरे तुम लोग जाओ रे बैल बुद्धि, जाओ निकलो। ए, ए कुट्टू, अरे इधर देखना, अगर तू स्कूल में फर्स्ट आएगा ना तो हमारे मालिक तेरे स्कूल की फीस भर देंगे बोला है। तू सिर्फ स्कूल में जाकर पढ़ाई कर बेटा, तू इससे भी अच्छी कार खरीद सकता है। अगर तू इन जानवरों की बात सुनेगा ना तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। चंद्रप्पा। हाँ जल्दी आओ, हम लेट हो रहे हैं। अभी आता हूँ मालिक। टाटा। बाय। टाटा। बाय। चंद्रप्पा आराम से ले जाना। कार को देखना छोड़ और उस लड़की को देख, फिर कार और लड़की दोनों मिल जाएंगी। जल्दी चलो, चलो। आज मुझे अपने घर जाना है। कहाँ जाएगा? मैं तो जा रहा हूँ। एक मुझे दे। हाँ ये बहुत अच्छा है। ए कुटो। हाँ? आज गैरेज नहीं आएगा क्या? मेरे पास टाइम नहीं है, आज दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ूंगा। लेकिन अभी दिवाली के चार दिन बाकी है। दिवाली को पटाखे फोड़ना बच्चों का काम होता है, लेकिन हम खतरों के खिलाड़ी दिवाली के पहले ही शोर मचाते हैं। चल जा। ए, अपने पापा को बोल देना कि मैं उनके मालिक की कार के लिए नया टायर लेकर आया हूँ। ठीक है। कब से इस टायर के लिए मेरा दिमाग खा रहा था। पापा पापा, अरे वाह, वाह
चाबी तो इसी में है। पापा पापा ये क्या हो रहा है, जल्दी आओ पापा, ये गाड़ी नहीं रुक रही। पापा कहाँ हो, जल्दी आओ पापा, पापा 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 जल्दी आओ, ये गाड़ी नहीं रुक रही। पापा लायक बदतमीज थे, इसकी कीमत जानता है क्या? इसे छोड़ दीजिए मालिक, आपके कार को कुछ नहीं हुआ ना? कार को कुछ नहीं हुआ है मालिक, मैं इसको ठीक से समझा दूंगा, आप शांत हो जाइए मालिक, गुस्सा मत कीजिए। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेटा? तू हमेशा कुछ ना कुछ बखेड़ा करते रहता है। ए, ए, कुटू, ए, चल इधर। तेरी हिम्मत कैसे हुई पत्थर उठाने की? पत्थर फेंक कहता हूँ ना। अरे ये सब कैसे हुआ? क्या हो गया? वो कार मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। क्या बोल रहा है तू? कौन सी कार? उस घटिया मालिक की कार को राख में मिला दो तुम। ए, तू बच्चा होने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहा है, मुंह में जो आएगा बोल देगा क्या? चल शांत हो जा, नहीं तो मालिक को जाकर बोल दूंगा। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी वजह से ये बिगड़ता जा रहा है। तुम इतने बड़े शैतान हो ना, तुम्हारी संगत में सन्यासी भी बिगड़ सकता है। हाँ। तुम्हारे चक्कर में मेरा बेटा भी बर्बाद हो रहा है। एक नंबर के शैतान हो तुम। अरे तुम दोनों भाड़ में जाओ। ए, वो स्पिनर लाकर मुझे दे। ए, कुट्टू, शांत हो जा, इस तरह गुस्से में क्यों बैठा है तू? ऐसे बैठकर तू क्या करेगा, जाने देना। मुझसे गलती हो गई, जो मैंने उसे छोड़ दिया, उसी वक्त मुझे उसका वहाँ पर सर फोड़ देना चाहिए था। क्या कहा? एक लात मारूंगा ना हड्डी टूट जाएगी नालायक। हे, उन्हीं की बदौलत हमारा घर चल रहा है, और हाँ उन्हीं की बदौलत घर में चूल्हा जलता है। अगर वो नहीं होते ना तो तू रोड पर माँ भगवान के नाम पर दे दो कहकर भीख मांग रहा होता। देख, अगर तू उनकी इज्जत नहीं करेगा ना तो मैं भी कसम खा कर कहता हूँ तुझे काट डालूंगा। भाई भाई आग आग, भाई आग आग, बुझा जल्दी इसे। कैसे हो गया ये सब, किस बेवकूफ ने किया ये? वो बेवकूफ मेरे पापा ही हैं। ए चंद्रपा, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? अगर पेट्रोल टंकी में आग लग जाती तो पूरा गैरेज जल जाता मेरा। थोड़ी सी भी समझ है तुम्हें? बीड़ी पी के खुद को जला लेना, लेकिन मेरे गैरेज में ये सब नहीं चलेगा। तू अपना मुंह बंद कर भाई, तेरी गैराज में एक ढंग की गाड़ी नहीं है। आया है बड़ी बड़ी बात करने, नालायक तुम लोग मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हो। चल चल बहुत काम है, मैं इनकी तरह फ्री नहीं है। कार का शोरूम खोलोगे तुम लोग, पहले दो वक्त का खाना तो खा लो। पेट्रोल टैंक कहाँ लगा होता है? की कीमत जानता है क्या? अरे चंद्रप्पा, हाँ? अपने मालिक के घर नहीं जा रहे हो क्या? नहीं माँ, आज थोड़ा खेत पर काम करने जाना है, इसीलिए मैंने छुट्टी ली है। ठीक है, सावधान रहना। कुटू कुटू, उठे नहीं क्या बेटा? उठ जाओ, टाइम हो गया है।
खाली हो गई। हाँ दादी, क्या हुआ? ये बटाके कौन लेकर आया? ये मालिक ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। पापा तो खेत पे गए हैं ना? हाँ गए थे, लेकिन जब मालिक ने उनकी बेटी को स्कूल से लाने के लिए फोन किया तो वो खेत से लौट आए थे। तेरे चेहरे पे मिट्टी क्यों लगी है? कुछ नहीं दादी। टू कुट्टू, रुको, कहाँ जा रहे हो? ए कुट्टू, पापा पापा। चंद्रप्पा जी। मालिक, कुट्टू अभी भी मुझसे गुस्सा है क्या? मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। आज मैं उसे इसी कार में बैठाऊंगा, घुमाऊंगा और माफी भी मांगूंगा। आपने उस दिन उसे मारा, बहुत अच्छा किया मालिक। पापा गाड़ी रोको, पापा। उस पर उन गैरेज वालों की बात का बहुत असर होता है मालिक, और वो उसके दिमाग में सिर्फ कचरा भरते जा रहे हैं। गलत चीजें बच्चे जल्दी सीखते हैं चंद्रप्पा, खेल कूद पढ़ाई लिखाई ये तो करते नहीं है, इसलिए उन्हें गलत लोगों से दूर ही रखना चाहिए। उसे इतनी छोटी उम्र में पता नहीं इतना ज्यादा गुस्सा कहाँ से आता है, वो कब क्या करेगा कुछ पता नहीं। तुम एक हफ्ते के अंदर रिहा हो जाओगे, उसके बाद आराम से जी सकोगे लोकी। मॉर्निंग मैडम जी। ये दूध लीजिए। दूध दिन ब दिन पतला होता जा रहा है। हाँ, मेरी गाय को गर्मी हो गई है इसलिए वो पानी ज्यादा पी रही है, इसलिए दूध थोड़ा पतला हो गया है। मेरी गाय सिर्फ उन्हीं को पतला दूध देती है जो हर दिन दूध लेते हैं। बस 6 दिन बचे हैं मेरे बर्थडे को, और वही एक ऐसा दिन है जब नकुल मुझसे प्यार करता है, लेकिन इस बार तो मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं है। बोलिए सर। नकुल, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं एएसआई बन गया। इस खुशी के मौके पर तो पार्टी बनती है ना? पार्टी की याद तो ऐसे आ रही है जैसे सुहागरात हो। मैं रास्ते से बोतल लेकर आऊंगा, तुम तैयार रहना। लेकिन आज मैं ड्रिंक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी वाइफ का बर्थडे है। इनफैक्ट मैंने शराब को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। शराब पीने वाले और नेता लोग हमेशा कसम तोड़ते हैं। देखो भाई, मैं रास्ते से बोतल लेकर आता हूँ, वो सब छोड़ो, रात में पार्टी करेंगे, तुम तैयार रहना, बैठ कर पियेंगे। मैंने बोला शराब नहीं तो बिल्कुल नहीं।
अरे वाह 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 वाह, तुमने शराब छोड़ दी है। हाँ, तुम क्या सोचते हो कि छोड़ पाओगे? अच्छा तुम बताओ, तुम खुश कैसे रहते हो? कैसे भाई कैसे? पैसा है सर, ये अपने इशारों से दुनिया को नचाता है। हमें जो भी चाहिए होता है, बड़ा सा बंगला, 108 इंच का टीवी, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, कार और उसी कार को चलाने वाला ड्राइवर, गर्मियों के लिए स्विमिंग पूल, सर्दियों के लिए फायर कैंप, बारिश के मौसम में चटपटे स्नैक्स, नंबर वन शेफ, अगर कभी हम बीमार हुए तो लाइफ इंश्योरेंस, और ठीक हो तो बड़ा सा रिजॉर्ट चैन से जिंदगी गुजारने के लिए, वहाँ पड़े पड़े एंजॉय करने के लिए। अगर आपको और भी कुछ जानना है भाई, तो बस करो, भगवान के लिए बस करो। अरे तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम स्पेस शुरू कर देते हो और मैं कुर्सी पर बैठकर एडजस्ट करता हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सबको राख में मिला डू ऐसी आग। कल से मेरी कॉलेज में छुट्टी हो जाएगी। अचानक से छुट्टी क्यों? बाकी सभी के क्लासेस है बस मुझे छोड़कर, क्योंकि अभी तक मेरे स्कूल की फीस ही नहीं भरी गई है। पहले ही नकुल सर से कहा था कि लड़कियों को स्कूल की जरूरत नहीं होती, पर वो कहने लगे कि पढ़ना लिखना जरूरी होता है। अब देखो विभा मैडम ने मुझे काम से निकाल दिया है, फिर भी नकुल सर मैडम से छिपकर पैसे देने वाले हैं। अभी उनसे पैसे लेने जाना है। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? तुम नहीं जाओगी, यहाँ रहो और पढ़ाई करो, मैं खुद पैसे लेने चली जाऊंगी। अरे रे, वन थिंग द इजीएस्ट वे मेक मनी इज इट्स मैरिज, मैरिज। डूब टका डूब, डूब टका डूब। क्या हो गया भाई? हाँ, आपकी कसम खाकर बोलता हूँ सर, ये मेरा लास्ट होगा। पिछले 3 सालों से मैंने बहुत मजे लिए, अब वाइफ को बिजनेस में सपोर्ट करूंगा। मैं अच्छी तरह समझ गया, इसीलिए खत्म कर रहे हो, मैं भी खत्म करता हूँ। एक मिनट हाँ। साहब हैं सर, गुड मॉर्निंग सर, सर नमस्ते सर। ठीक है सर, 2 किलो चिकन, 1 किलो प्याज, टमाटर, धनिया और सर मुस्तफा कबाब पाउडर ले आऊँगा सर। हाँ सर, मैं लेकर आऊँगा सर। हाँ, मुस्तफा कबाब पाउडर चाहिए ना सर मैडम को? हाँ सर, मैं माँ कसम कहता हूँ ज़रूर लेकर आऊँगा सर। हाँ हाँ सर, निश्चिंत रहिए सर। हाँ हाँ सर, मैं लेकर आऊँगा सर, अभी आता हूँ सर, मैं अभी लेकर आता हूँ सर। ठीक है सर, रखता हूँ। फ़ोन कट करो। ये हमारे गवर्नमेंट की नौकरी ऐसी होती है, मैडम की ड्यूटी करनी पड़ती है, गवर्नमेंट की ड्यूटी से भी बड़ी मैडम की ड्यूटी। इंस्पेक्टर की बात को एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। हमारे साहब की ड्यूटी करनी पड़ती है, नहीं तो लाठी तैयार रहती है, बिना गिने छापते रहता है, बहुत खतरनाक है वो। देखो भाई, अब ये सब तुम्हारा है, तुम एंजॉय करो, ठीक है ना? एंजॉय द पार्टी सर। सर, मैं खुद को जला ही लेता। एंजॉय द पार्टी, मेरी किस्मत फूटी है, मैं तो चलता हूँ। मुस्तफा कबाब पाउडर, इसे कहाँ जाकर ढूंढूं? I didn't expect this. Nakul? Virat Kohli once again. Nice deflection. Huh?
टीवी टीवी क्यों बंद कर दी? कोहली सेंचुरी मारने वाला तो। अरे जलना बॉटल तेरे बाप की दुकान है कि मुंह उठाकर उधारी लेने आ गया? रेबल की ताड़ी की दुकान है। पहले पुराना हिसाब क्लियर कर, फिर ताड़ी मिलेगी, समझा क्या? पैसा नहीं है तो बाहर निकल, चल निकाल। बाहर एक बोर्ड लगानी पड़ेगी, जो उधार में ताड़ी पिएगा उसका मैं खून पी जाऊंगा। भाई पाउडर कौन सा था? मुझे भी दे दो ना, मेरी बीवी गायब हो जाएगी ना। बकवास मत करो, अगर कुछ पता है तो बताओ। तुम्हारी वाइफ जा कहाँ सकती है? तुम्हें मैं स्कूल का टीचर लगता हूँ क्या? तो क्या मैं फर्स्ट बेंच वाला स्टूडेंट लगता हूँ जो सारे सवालों का जवाब दूंगा? अरे शांत हो जाओ भाई, विभा को अपने बिजनेस की हजारों प्रॉब्लम्स है, निपटारा करना होगा, समझो भाई। इसलिए तुम टेंशन मत लो, फ्रेश ताड़ी पियो। पी लो। ताड़ी पीने से कुछ नहीं होने वाला है। पियो तो उसके बाद सवाल ही भूल जाओगे, फिर जवाब की भी चिंता नहीं होगी। बकवास बंद करो। ठीक है, नहीं बोलूंगा। अरे ये तो नकुल की कार है। क्यों कैंपराज, गाड़ी क्यों रोक दी? सर हमें यहाँ ताजी ताड़ी मिल सकती है, थोड़ा पीकर चलते हैं सर। सर मटन फ्राई भी मिलता है, पार्सल करा लूँ क्या? आप गाड़ी में ही बैठिए। अरे वो सब बाद में देख लेंगे, अभी जल्दी चलो। सर उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है सर। सर उसके हाथ में ना
बहुत जादू है, बढ़िया बनाता है। क्या मसाला डालता है सर? एकदम माप से। हाँ सर, एक बार खा लेंगे ना तो उसके बाद आप भूल नहीं पाएंगे सर। हाँ सर, देखिए क्या खुशबू आ रही है, उसके मसाले तेल क्या धमाधम महक रहे हैं सर। हाँ सर, मैं सच कहूँ तो उसमें छोटे छोटे प्याज काट कर डालता है ना, और मिर्ची पाउडर डालता है, और मसाले एकदम माप से डालता है। हम खाने के बाद स्वर्ग में पहुँच जाते हैं। उसके ऊपर नींबू निचोड़ता है ना तो सर, क्या मजा आता है। अब अपनी लार यहाँ मत टपका देना, जाओ जल्दी लेकर के आओ। जाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ सर। मेरी बात सुनो, जब तक सांस है मस्ती करो, मरने के बाद क्या ही उखाड़ लोगे। जिंदा रहने के लिए खाओ, मरना है तो मत खाओ। ये लो, गर्मा गर्म नॉनवेज खाओ और एंजॉय करो मैन। खाने का मन नहीं है मेरा। पहले से खा कर आयो, छोटे छोटे पीस खाओ और एंजॉय करो। मेरे हाथों से खिला देता हूँ, लो। नहीं लो, बोला ना, परेशान मत करो। तो क्या मैं हुस्न परा बन जाऊं? हाँ बोलो ना। अले, 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 तुम टेंशन मत लो, नहीं तो मुझे भी टेंशन आ रहा है। मैं अपना टैंक खाली करने जा रहा हूँ, तुम प्लेट खाली करके रखना, ठीक है ना? ओए भाई के लिए एसी चालू करो, गर्मी हो रही है। क्या हुआ, कहाँ खोए हो नकुल? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है, क्या बात है? देखिए मैं आपके पास आने ही वाला था। किस लिए? मेरी वाइफ रात से लापता है। क्या कहा? मेरा घर बिखरा पड़ा है और मेरा दिमाग भी बंद हो गया है। जब से मैंने आपका वो ड्रग लिया है तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो ड्रग तुमको? दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। वो एक सीज ड्रग है, हाँ, जिसे मैंने डिपार्टमेंट के लॉकर से सैंपल के तौर पर निकाला था। डिपार्टमेंट को पता चला तो सस्पेंड हो जाऊंगा। मैंने उस पैकेट को पागलों की तरह कहां कहां नहीं ढूंढा। कल जब हम पार्टी कर रहे थे तभी वो ड्रग मैंने आपकी जेब से गिरते हुए देखा था। क्या कहा, क्या तुमने ही कल? ए, हम दोनों ने पार्टी की थी, उसे 2 दिन हो गए। क्या 2 दिन? हाँ, लेकिन तब से तुम्हारा कोई पता नहीं है। फोन कर रहा हूँ तो स्विच ऑफ है। पता है वो ड्रग्स हर हफ्ते रहता है। तुमने पूरा हजम कर लिया? जो इंसान वो ड्रग ले लेता है ना, वो इंसान से कब राक्षस बन जाता है पता नहीं चलता। तुमने अपनी वाइफ को भी मार डाला सर। हाँ मास्टर, रेबल जो है क्या कर रहे हो बताओ? कैसे पुलिस वाले हो तुम? पूरी रात नशा करवाया इसे तुमने? जब से आया है बेचारा छाती पेट पेट कर रो रहा है। पुलिस पावर यूज करो और इसकी बीवी लाओ, अभी लाओ। गो एंड टेक एक्शन। धीमे बात कर बेवकूफ, अगर जोर से बोलेगा ना तो हमारे साहब यहीं पर बाहर खड़े हैं, तेरी बोटी बोटी काट डालेंगे। चुपचाप रह। तुमने मुझे बेवकूफ कहा? तो तुम कौन हो, पागल हो या भैंस की औलाद हो या क्रॉस ब्रीड हो? अबे क्रॉस ब्रीड की औलाद है, तेरे मुंह में क्रॉस बना दूंगा। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? सर हम चूहे बिल्ली का डिस्कशन कर रहे हैं, आओगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यही हमारे साहब हैं, जवान संभाल कर बात कर। रेबल कंट्रोल। चुप। क्या तुम इंस्पेक्टर साहब हो? मुझे तो कोई 450 लग रहे हो। अरे भाई वो 450 नहीं, 420। अरे पर ये 30 नंबर ज्यादा लगता है। ए, ये उसका फैमिली मैटर है, हा? इसकी बीवी लापता हो गई है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बताओ? है? किसी के गले की हड्डी बनते हो तुम, यही काम है क्या? है? यही है क्या वो? इसे तो बड़ी सी लाठी लेकर भगा दूं मैं। लाठी निकालता सीधा भगा देता। ए, जानते हो ये कौन है? ए, कुछ भी पता है इसके बारे में? इसका बैकग्राउंड क्या है बताऊं? सामने रेबल खड़ा है। कोई बचाओ। रेबल कहाँ गया सर? एडवर्टाइजमेंट को देखकर प्रोडक्ट को जज नहीं करना चाहिए सर। सर मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। सर सर मेरी बात सुनिए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए सर, सर मेरी बात। क्या वो बंद करके बैठ। चलो बोलो साहब। साहब
अंडरवेयर पहन कर मुंह कैसे बंद करूं मैं, बताओ तो मुझे सर। सर मुझे कपड़े दे दो। कपड़े हैं क्या? अच्छा ठीक ओके। कैंपराज? हाँ सर। फॉरेंसिक टीम का फोन था। हाँ सर। वो नकुल के घर पहुंच चुकी है, सारी डिटेल चेक करो, कोई भी सबूत मिले रिपोर्ट करो। ओके सर। बोलो तुमने बॉडी को कहां छुपाया था? क्या बॉडी? क्या वो मर गई है? मरने की बात तो तुमने ही अभी बोली है। पिछले 6 दिनों से तुम्हारे पड़ोसी ने ही उसके एम्प्लॉय और बाकी किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन तुम पूरे विश्वास से कह रहे हो 2 दिन पहले देखा था। हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे यह बताया गया था कि तुम हर दिन शराब के नशे में उसे टॉर्चर करते थे। तुम्हारे कमरे के पर्दों पर खून के निशान भी मिले हैं, दीवार पर टंगी गन चली हुई मिली है। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बताता हूं उस दिन क्या हुआ था। तुम जो अब तक पैसे उड़ाते आए हो वो सारे पैसे विवाह के थे, वो तुमसे 2 साल उम्र में बड़ी भी है। हकीकतन लव मैरिज ही होनी चाहिए। सो आई एम वेरी क्यूरियस, तुम्हारे जैसे गली छाप फॉरेन में पड़ी हुई लड़की विवाह कैसे पड़ गई सब बताओ। फ्रॉम द बिगिनिंग चार बजे उठना और हार्ड वर्क करना, ये सब तेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे दिखता है क्या? अलार्म बजने के बाद भी भाई जो सोने का मजा आता है वो रात भर सोने में नहीं आता है। अबे उठ जा कुमकरण। बाप रे। ए बेरहम आदमी, मैं सपने में रोमांटिक किस करने जा रहा था, सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अब सपने में बारिश का मजा ले। ऑफिस तो एकदम मजेदार लग रहा है। अल्ले ले 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 ले। लड़की अभी मस्त है, अब ये कंपनी फिक्स। अभी इंटरव्यू जल्दी से फिनिश करके आता हूँ। तुमने कॉन्फ्रेंस की सारी डिटेल्स चेक की? क्या देख रहे हो? अपनी शर्ट उतारो। हाँ बिल्कुल। वाह। व्हाट? क्या है? ज्यादा सीन बनाने की उम्मीद मत करना। मैडम आज मेरा इम्पोर्टेंट है, प्लीज मैडम मेरा इंटरव्यू है, प्लीज मैडम।
ओयो, फोन मेरे पास छोड़ दिया, चार्जर अपने साथ ले गई, चल कह रहा है। मैडम मैडम, फॉरगेट योर इंटरव्यू, इस कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये मुझे अभी पता चल गया। चेहरे को तो मेकअप से गोरा कर लिया पर अंदर से दिल पूरा काला है। कार्टून, हाँ आ रही हूँ, जाने क्या चल रहा है। Good morning. Good morning. Now that we all have gathered, let me come straight to the point. Interview? That way, sir. That way? Yes, sir. Thank you. भाग भाग भाग। इस कंपनी को केवल वही एडिबल ऑयल खरीदना चाहिए जिसे हम रेकमेंड करते हैं। So come on, give me your innovative ideas and code so we get the contract. सर, हमें वो ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करना चाहिए, उसके बाद उसकी रीब्रांडिंग करके बेचना चाहिए। We are trying to make some profit here. कस्टम टैक्स के चक्कर में फालतू के खर्चे नहीं करने। अगर किसी ने कोई स्टूपिड आइडिया दिया तो मैं उसे निकाल दूंगा। सर, व्हाट इफ यू चेंज द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग कुकिंग ऑयल इन आवर डे टू डे लाइव्स? हु आर यू? व्हाट डू यू मीन? या व्हाट इफ वी स्प्रे द ऑयल व्हेनेवर वी नीड एंड इन एनी क्वांटिटी वी नीड? ओके, लेट मी मेक इट सिंपल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले से ही मार्केट में है। लेकिन कितने लोग जानते हैं? एनीबडी हियर? वेरी फ्यू। प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग है। विभा, इंटरव्यू के चक्कर में ये कॉन्फ्रेंस में आ गया है, चलो मजे लेते हैं। सर, प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस लैपटॉप, इसे आपने क्यों खरीदा था? ब्रांड, मार्केटिंग, प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर कुछ प्रॉब्लम बन सकता है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसलिए सबसे पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। क्यों ना हम खाली कैन मंगवाए और उन्हें रिफिल करके कस्टमर्स को डिस्काउंट दे। हम ऑयल स्प्रे करके खाना बनाने के फायदे बताएंगे, उसमें सैचुरेशन लेवल कम होगा, इससे केटो डाइट मेंटेन रहेगा, और मेनी मोर गाइस। एंड मेनली, लेट्स गो कंप्लीटली ग्रीन। जब हम अपनी कंपनी में प्लास्टिक को रिसाइकल करेंगे तो हमारी कंपनी ग्रीन इंडिया कंपनी बन जाएगी। थिंक बिग एंड एक्ट बिगर। बाय द वे, हु आर यू? आई एम नकुल फ्रॉम केवीजीसी सर। एंड व्हाई आर यू हियर? Interview? That is on the second floor. Hey, good joke, sir. Sorry, guys. Hey, wait. Incredible idea. You get this approved, okay? Vibha. हाँ? Congrats. Client ने हमारा idea approve कर दिया. लेकिन ये आइडिया उसका था ना? बात हमारे और उसके आइडिया की नहीं है, वो एक टीम का आइडिया है, बस यही मैटर करता है। व्हाई डोंट यू गेट हिम इनटू आवर टीम? सोच कर देखो, उसके एक आइडिया ने हमें बड़ा प्रोजेक्ट दिला दिया, वो हमारे साथ रहा तो फाइन, बट इज कॉन्टेक्ट। विभा, मेरे प्रपोजल के बारे में तुमने कुछ सोचा क्या? We are just friends. ये सब उस एंग्री बर्ड की वजह से हुआ है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उसे तुम छोड़ना मत। वैसे तुम अपनी नौकरी के लिए परेशान मत हो भाई। सुनो, लड़के एक लड़की से बात करने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं भाई,
लेकिन तुमने तो पहली बार में ही 6 लगा दिया। वैसे कैसा लगा था? क्या कहा? मेरा मतलब वो देखने में कैसी थी? वो कहीं से भी अच्छी नहीं थी, चेहरे पर जरा भी स्माइल नहीं। टॉम बॉय की तरह उसकी हरकतें हैं, मगर मच्छ की तरह खतरनाक। जब आंखें खोलती है तो ऐसा लगता है कि उल्लू देख रहा हो। लेकिन फिर भी दिखने में बहुत ही क्यूट लग रही है। क्यूट ही तो लगनी चाहिए थी ना। वो और उसका एटीट्यूड दोनों मेरे अपोजिट है, उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ सही कहा तुमने, उसको बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल नहीं। तुम तो भाई मैदान के बैट्समैन हो, या तो 6 मारना या 1 रन लेना। भाई किसी भी हाल में बोल्ड मत हो जाना। बकबक करने में तो सबसे आगे। हेलो, तू 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 सर 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 भाई नौकरी मिल गई ना? हाँ भाई नौकरी लग गई। इसी खुशी में ये लो। चीयर्स। नीटा खींच लो। सारे मेल चेक करो और उन्हें फैक्स करो। हेलो मिस एंग्री बर्ड। हाँ प्लीज कम। ओके मैम। देखा, टैलेंटेड लोगों का लक हमेशा अच्छा होता है। इसमें तुम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो। एंड मोर ओवर, मेरी क्रिएटिविटी की वजह से इम्प्रेस होकर तुम्हारी कंपनी ने जॉब दिया। कूल 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 बेबी, अब तुम बस देखती जाओ कुछ ही सालों में मैं कितनी ऊंचाइयां छूता हूं। अब मेरे बारे में इतना मत सोचो। नो प्रॉब्लम, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूं और करके दिखाता हूं। उसी वजह से लोग मेरी तारीफ करते हैं। अब चलो क्या बेबी? सर तुम्हें मेरे केबिन में आना चाहिए था ना? आई वॉज ऑन द वे सर। वेल यू आर नाउ अपॉइंटेड एज अ क्रिएटिव इंटर्न। थैंक यू सर। थैंक यू मुझे नहीं बोलो, उसे बोलो। हाँ शी इज द वन हु रेफर्ड यू। हैप्पी विभा। ओके इंट्रोड्यूस हिम टू द टीम। लगता है फिर से बेवकूफ बन गया। यार क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। शर्माना बंद करो, चलो बाय बाय। लोकी डिनर। आई एम सॉरी लोकी, आज मेरा मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम। तुम्हें मूड में लाने के लिए निकुल चाहिए? व्हाट डू यू मीन? ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे मुझे पता ही नहीं है कि तुम लोगों के बीच कुछ हुआ है कि नहीं। वो और मैं काफी हैं या तुम्हें और भी लड़के चाहिए? लोकी प्लीज आवाज धीमी, लोग हमें देख रहे हैं। Please go away. तो क्या हो गया, देखने दो ना उन्हें, उन्हें भी पता चलना चाहिए तुम कैसी हो। लोकी यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। लिमिट लिमिट तुम्हारी लिमिट की तो अब देखना मैं तुम दोनों को कैसे अलग करता हूं। मेरी एंग्री बर्ड को हो क्या गया है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा कॉल नहीं उठाए वो। अनुराग
ए आजा तू, आ भूख लगी है, आके खाना बना दे। हेलो विभा, कॉमन सेंस नहीं है क्या? कोई बार बार फोन कट कर रहा है, मतलब बिजी होगा ना। आजकल सभी लोग मतलबी हो गए हैं। अपने आंसू पोछ लो, बात बात पे तुम बच्चों की तरह रोने लगते हो। हर समय तमाशा अच्छा नहीं लगता है, समझे? प्रियतमा, आके तुम मेरे बालों में तेल लगा देती। इसकी एंग्री बर्ड से तो अच्छी मेरी सुष्मिता है। नकुल, कैसे हुआ ये? हाँ वो ही तो ही ना। एक मिनट, ये क्या हुआ? धीमे बोलो, क्या है? अरे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो मेरे रूममेट ने तेल, मतलब हाथ पर तेल की कैन गिरा दी। कैसे लोग? ऐसा नहीं है, वो नारियल तेल तो है ना। नारियल तेल के शीशे फेंककर मारी, कैसा रूममेट है? अरे गुटुरगु, बात तो सुन, मेरे रूममेट ने बाथरूम में, छी, मुझे क्या पता था कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। प्लीज चुप हो जा, अगर और बोली तो तेरी जबान खींच लूंगा। पहले मेरी बात सुन, मेरे रूममेट ने बाथरूम में नारियल तेल फैला दिया था और मैं उसी वजह से फिसल गया था। अब समझ में आया तुम्हें? पर अभी भी एक डाउट है मुझे। लोकी, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो उसका फायदा उठाओगे? जब भी तुमने मुझे प्रपोज किया, हम बस फ्रेंड से बोलकर मना किया। उसके बाद तुम नकुल को बीच में क्यों घसीट रहे हो? कुछ तो हुआ है। कल जो तुमने हंगामा किया उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? ओह, अब समझ में आया, तुम्हें इस बात की जलन है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, है ना? अब देखो मुझे यहाँ नहीं, सबके सामने क्या करती हूँ। विभा, गए 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 गए, अब तो गए। अब ये क्या कर रही है? जाओ जाओ। ऑफिस में इतना ज्यादा काम होता है कि मैं उसे टाइम नहीं दे पाता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, आप खुश रहिए। आपने बिल्कुल सही कहा मैडम, खुशी तो पैसों से ही मिलती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मजाक तो आप बहुत अच्छा करते हैं, पैसे आपको नहीं दे सकती, पर सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, सिली लव। गुड इवनिंग सर। हाँ ऑर्डर सर। ओ, गर्लफ्रेंड रास्ते में ही है, बस 5 मिनट लगेंगे। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, आराम से बोलो, डराते क्यों हो? उसके आने के बाद एक कोल्ड कॉफी में 2 स्ट्रॉ डालकर लाना, समझे? हमारी फर्स्ट मीट है ना। बस इतनी सी बात? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर सरप्राइज देखना क्या देता हूँ। एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है। वो आ रही आ रही आ रही आ रही है। विभा।
लगता है शर्मा रही है, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम हम ऑफिस से बाहर मिल रहे हैं ना? मैंने आज सुबह जो ऑफिस में बोला उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। या, आई नो, मी टू। ओके। ये तो बहुत फास्ट है। बाय द वे, तुमने बहुत अच्छे से मैनेज किया। मैनेज? मुझे लगा कहीं तुम मुझे गलत साबित ना कर दो। गलत? तुमने क्या समझा था, मैंने तो लोकी को सबक सिखाने के लिए तुम्हें मोहरा बनाया था। मोहरा? तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरी प्रपोजल को सीरियसली ले बैठता। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। बॉर्न टैलेंट, यू नो। एक मिनट, आई विल जस्ट कम बैक। ओके सर। सॉरी टू ब्रेक इट यू, बट मैंने तुम्हारा प्रपोजल सीरियसली लिया था। व्हाट आर यू सेइंग? नो वे। नो वे नो, इट्स वन वे। कांग्रेचुलेशंस सर, कांग्रेचुलेशंस मैम। ठीक है ना सर? ए ये क्या करके ले आए हो? ये सब मेरा प्लान नहीं था। अच्छी लंका लगी मेरी। सर? हाँ? एक कोल्ड कॉफी और दो स्ट्रॉ का क्या करूं मैं? अगर इस कॉफी के ग्लास को गिरा दिया तो क्या होगा? ग्लास टूट जाएगा। है ना? वही ग्लास के टूटे हुए टुकड़ों को कॉफी से बाहर निकालो और उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों को अच्छे से कट कर लो, समझे? तुम्हारे केस से ज्यादा तुम्हारी फ्लैशबैक स्टोरी इंटरेस्टिंग मालूम पड़ रही है। सर 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 प्लीज सर, मैंने कोई गलती नहीं की। हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मुझे। नकुल तुम्हें कुछ करो। वेंकटेश, लॉकअप खोल कर उसे यहाँ लेकर आओ। ए, जल्दी आओ। खुल गया। एड्रेस आइट चल। सर सर, एक ईमानदार आदमी को जेल में डाल दिया आपने। अरे बाप रे, ये गलत बात है सर। कम से कम खाने को दे देते, अगर मैं भूखा मर जाता तो ये इल्जाम आपके ऊपर लग जाता, समझ गए? हाँ? वेंकटेश, इसे छोड़ दो। अरे वाह, चल 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 नकुल, चल सर जाने को बोल रहे हैं। सिर्फ तुझे जाने के लिए बोला, इसे नहीं। फिर मेरे दोस्त का क्या? ये अपने आप को बेकसूर साबित करेगा तो मैं इसे भी छोड़ दूंगा। फिर तो ये पक्का खुद को साबित कर देगा। मेरा मतलब ये, आप बाद में इसको छोड़ देंगे, मैं चलता हूँ सर। तो तुमने फिर से शादी क्यों की? अगर एक बार रिजेक्ट करने पर दूसरी बार पीछे हट जाए तो दुनिया में लव मैरिज जैसी कोई चीज ही नहीं होती सर। Thank you.
हालांकि प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, वो भी एकदम सच्चा वाला प्यार, लेकिन तुम्हें भी मेरी कंडीशन समझनी चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ जल रहा है? विभा अभी तक नहीं आई, क्या चल रहा है? ओ सर, एक्चुअली 4 दिनों से नकुल भी ऑफिस में नहीं आ रहा है। सर वो ऑफिस आते साथ में है, जाते भी साथ में ही है, खाते साथ में, पीते साथ में और रहते भी साथ में ही है। बाप रे, आपको क्या लगता है वो साथ में लेटे भी होंगे? आई डोंट माइंड शेयरिंग सर, चाय तो टेस्टी मालूम पड़ रही है। देखा जब से मैंने उसको हो गया हूं मैं पागल जैसे। तू अंधा है क्या? उप्स, अरे यार। अंधा बोला मुझे? हाँ मैं अंधा हो गया हूं। तूने बिल्कुल सही याद दिलाया। उस दिन जब मैंने तुझे ऑफिस में अपॉइंट किया था ना, बस उसी दिन से मेरी जिंदगी में शनि का अपॉइंटमेंट हो गया। सर मैं शनि? ऐसा क्यों सर? ओवर एक्टिंग मत करो यहां पर। कितनी बार मैंने तुझसे बोला है जितना हो सके विभा से दूरी बनाकर रख। अपनी सैलरी का आधा पैसा खर्चा करूंगा और गुंडे तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सर आप बहुत दूर तक सोच रहे हो। देखिए सर, किसी को मारने के लिए गुंडों की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप हाईवे पर लाउड म्यूजिक में चिल करते हुए ड्राइव कर रहे हैं और दूसरी तरफ से 120 की स्पीड से ट्रक आ रहा है। इस तरफ कार, इस तरफ ट्रक, इस तरफ कार, इस तरफ ट्रक। तभी ट्रक का ब्रेक फेल होता है और आपकी कार को आकर ठोक देता है। देखो सर, जब हमें कोई पसंद नहीं करता ना, तो हमें उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। उसके लिए बैठकर रोना नहीं चाहिए। मैं बच्चों की तरह रोने वालों में से नहीं हूं। विभा को अपना बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। Thank you.
Oh God. हेलो विभा। नकुल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा है, और तो और सिर्फ मेरे ही घर की लाइट गई है। ओ शिट, अभी अभी लोकी से मेरा पंगा हुआ था, हो सकता है कि वो तुम्हारे पास आ जाए, ध्यान रखना। नकुल प्लीज तुम यहाँ जल्दी आ जाओ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पहले जाकर डोर लॉक करो, मैं रास्ते में ही हूँ। लोकी, तुम यहां क्या कर रहे हो? No matter what, I need you, विभा। लोकी, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। विभा, रुक जाओ। Hey, विभा। लोकी, 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 प्लीज मेरे घर से चले जाओ। मेरी बात सुनो विभा। लोकी प्लीज, लोकी, 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 मैं तुम पर चाकू चला दूंगी। क्या कर रही हो विभा? विभा, चाकू नीचे फेंको। मेरी बात सुनो विभा। विभा, लोकी, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। चले जाओ यहाँ से, प्लीज, प्लीज चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? हे, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। दरवाजा खोलो विभा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो विभा। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हे विभा, तेरी तो विभा, रुक जा। अरे इधर आना, कौन है बे तू? हे, पुलिस से बदतमीजी से बात कर रहा है, तुझे बताता हूँ, चल। मैं तुमसे बात करता हूँ विभा, समझने की कोशिश करो। विभा, I love you विभा। हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है, कम से कम उसे 3 साल की सजा होके ही रहेगी। मैडम, इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेन फाइल करनी होगी, उसके आगे जो होगा मैं देख लूंगा, ओके? मैं जहां बोलूं मुझे वहां लेकर चलोगे? ये मेरे मम्मी पापा हैं, गांव वालों ने इसे बहुत प्यार से बनाया है। जब भी यहां आती हूं हमेशा फूल चढ़ाती हूं, मुझे यहां शांति मिलती है, यहाँ एक अलग सा सुकून है। मैं पूरी जिंदगी यहाँ खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ। विभा, पर यहाँ मैंने तुमसे बहुत सारे राज छुपाए हैं नकुल, मैं सोचता था कि वो गरीब घर से है, लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि वो कितनी अमीर है। तो इसलिए तुमने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे जान से मार दिया ना? सर, वो 2 दिन के अंदर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी। पैसा किसी का भी दिमाग खराब कर सकता है, यही है वो असली हत्यारा। इसको तब तक मारते रहो जब तक ये ना बताए बॉडी कहां छिपाई है। सर, इस लड़के को मैं अच्छी तरह जानता हूं सर, ये बहुत अच्छा लड़का है।
हमें कुछ गलत फहमी हो गई है सर, हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। विभा ने तलाक के लिए अप्लाई किया था, इतना काफी नहीं है क्या इसे जानने के लिए? जो बोला है वो करो। ठीक है सर। इंस्पेक्टर, बिना वारंट के आप मुझे यहाँ नहीं रख सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे टॉर्चर करने की बात कर रहे हो। क्या किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है बताइए? मैं तुझे सिर्फ टॉर्चर ही नहीं, जान से भी मार दूं तो फुल चार्ज नहीं लगेगा मुझ पर, समझा? सर 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 छोड़ दीजिए सर, छोटी सी बात के लिए गन मत निकालिए, इसे रख लीजिए सर, दिमाग खराब है क्या? शांत रह, हाँ लाइए सर, दीजिए। सर, ग्रीन वैली स्कूल के प्रिंसिपल आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो सर, हमारे स्कूल की फाउंडर विभा, जिनसे पिछले 6-7 दिनों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। आज मैंने उनके हस्बैंड को देखा था, लेकिन वो भी स्कूल नहीं आते हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उनके लापता होने की कंप्लेंट लिखवा दीजिए। श्योर सर, दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। थैंक यू। ये क्या लफड़ा है? अक्सर क्रिमिनल किसी की हत्या से पहले बचकर भागने का प्लान ज्यादा बनाते हैं, लेकिन ये लड़का कैसे इतनी आसानी से अपने सारे सबूत छोड़ सकता है? कहीं पुलिस के हाथों पकड़े जाना भी उसका प्लान तो नहीं है? समथिंग इज नॉट राइट। हेलो सर सर सर, वो प्रॉब्लम ये हो गई। वो भाग गया सर। अरे बाप रे, क्या जुगाड़ से फायदा हुआ? और ज्यादा गरम मत करो, उन लोगों ने पहले ही मेरे पिछवाड़े को जला जला कर चारकोल बना दिया है। तुमसे सिकाई के लिए कहा था, चिकन की तरह पकाने को नहीं। तुम्हारा शरीर नीला और काला पड़ चुका है, सिर्फ सिकाई से काम नहीं चलेगा। मैंने तुमको कहा था नकुल के साथ मत रहो। ए, चुप हो जा। उसने तब मेरी जान बचाई जब लोगों ने घेर लिया था मुझे मारने के लिए। वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दूसरों के लिए तो बहुत भला है, पर अपनी मेरी विभा मैडम स्कूल और बिजनेस चलाने में मेहनत करती थी, और ये नकुल उनकी कोई हेल्प नहीं करता था। इसके अलावा उन्हें हर दिन परेशान करता था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अरे ये सब तो विभा मैडम ने सब खुद से बताया था। अरे गलती मेरी है, स्कूल में तुम्हें काम पर भेजा मैंने। नकुल की आदत मुझे पता है अच्छे से, किसी को उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तुम भी उसके साथ भाड़ में जाओ, मुझे नहीं रखना यहाँ। वापस आओ, इन जलती हुई लकड़ियों को निकाल कर तो जाओ। ये औरत मेरे लिए हीटर बन गई है। क्या हुआ अब? भूत था क्या, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मुझे पूरा भरोसा था तुम थोड़ी देर बाद छूट जरूर जाओगे, लेकिन अपने घर जाने के बजाय तुम मेरे घर क्यों आए? उन लोगों ने जाने नहीं दिया, मैं खुद भाग कर आया हूँ। क्यों सांप के सामने बीन बजाने वाला काम कर रहे हो बताओ? शांता, वो जलती हुई लकड़ियां निकालना मत, कल शिकायत की फिर जरूरत पड़ेगी। ए नकुल, अरे नकुल, ए आखिर हम जा कहां रहे हैं? ठीक है नहीं बोलूंगा, इशारे में ही बता दो कहां जा रहे हैं हम लोग। ठीक है चलो, तुम्हें मेरा नमस्कार, चलो। जब भी पूछता हूँ मुझे घूरने लगता है ये, इससे पहले कभी रात को इस रोड से कभी नहीं गुजरा हूँ।
गेट पर दो पुलिस वाले डंडा लेकर बैठे हैं वहां पर, पकड़े गए तो मौत के घाट। चलो भाग चलते यहां से। हाँ गुड आइडिया, चलो। अरे रुको रुको, अरे मैं भी आ रहा हूँ, रुको। हाँ मैंने भागने को बोला था, आकर कूदने को नहीं बोला था मैंने। तूने अपने बीवी को बोला था ना कि तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, अब क्या हो गया? हमारी बातें भी सुन ली थी क्या? क्या कोई पबजी प्लेयर बॉर्डर पर गोलियां चला सकता है? बाप रे, तुम्हें अपने खुद के घर पर चोरी चिपके आना पड़ रहा है के? अरे अरे मेरा पेट, क्या यहाँ बहुत अंधेरा है, लाइट ऑन करो। धीरे बात कर, शांत। तुमने तो डराई दिया। जब मैं उस वक्त नशे में था तब इसी सोफे पर बैठा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं उसके बाद क्या किया था मैंने। यहां पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मैं पता लगा लूंगा। ऐसा लगा जैसे तुम्हारी वाइफ की आत्मा देखी मैंने। ए, तू और तेरा डर। एक मिनट रुक जा नकुल, रुकना। मैं कब से बड़बड़ कर रहा हूं, मेरी बात तो सुन। यहां मुझे डर लग रहा है। ये ड्रग का पैकेट यहां कैसे पहुंचा? अरे भाई, सोफे से बेड तक कैसे पहुंचे ये याद नहीं तुम्हें, तो इस पैकेट को क्यों याद कर रहे हो? देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, उस रूम में जाकर किसी सुराग की तलाश करो। क्या अकेला नहीं जाऊंगा? तो पुलिस गार्ड को बुला लो अपने साथ। पुलिस गार्ड? हे, मार खाने से तो अच्छा है कि मैं भूत से ही निपट लूंगा। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? भगवान बचा लेना, मुझे जा रहा हूं। तुम थी? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आपको हमारे घर से जाते हुए देखा, इसलिए मैं आपको फॉलो करते हुए यहाँ आई हूँ। यहाँ आओ जल्दी। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले तुम यहाँ से जाओ। तुम्हें घर की चाबी कैसे मिली? मेरी माँ के पास एक्स्ट्रा चाबी है, उसी से खोलकर अंदर आई। ठीक है, चलो। भगवान करे आपको कुछ ना हो। अरे ठीक है ठीक है, अब चलो। ए, कौन हो तुम? मैं मेघा हूँ। तुम अंदर कैसे चली गई? अरे बाप रे, ये तो पकड़ी गई, पक्का अभी हमें भी खींच लेगी। भाई चलो भाग जाते हैं, इस बार तो अंडरवेयर भी नहीं पहना हूँ, पुलिस स्टेशन ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। जब तुम आंखें बंद करके बैठे थे तब निकली थी। है? तुम रहती कहाँ पर हो? उस तरफ मेरा घर है, मेरी माँ यहाँ साफ सफाई का काम करती है। ठीक है चलो जाओ। हे भगवान, बच गए हम। ले अब दूसरी समस्या देख। कितनी मासूम मैसेज आ रही है, ये भी कोई कम नहीं है। मेरी मिल्की सर, आप कौन सी प्रॉब्लम आ गई? ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो नकुल है इसका भी इसके साथ चक्कर चलता था। बेचारी विभा मैडम, नकुल ने मैडम के सर पर कुछ मारा था, खून बहने लगा था, वो अपराधी है, अपराधी है। ये आग क्यों लगा रही है? जाओ जाओ, बार बार वही कहानी सुनाकर टाइम बर्बाद मत करो, तुम्हें लॉकअप में डालकर इंक्वायरी बैठा देंगे। जाओ। भलाई का तो देखो जमाना ही नहीं है, इसलिए इनके हाथ कुछ नहीं आता। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। कुछ भी हाथ नहीं आएगा तुम्हारे, बड़ा आया मुझे लॉकअप में बंद करेगा। बड़ा आया। तुम्हें मेरे घर की आखिर चाबी कैसे मिली?
विभा मैडम अक्सर सुबह जल्दी निकल जाती थी और जैसा कि आप नशे में होते थे इसीलिए दरवाजा खुला छोड़ती थी। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा चाबी दी थी ताकि काम के बाद दरवाजा बंद कर सकूं। लेकिन तुम आजकल काम पर क्यों नहीं आ रही हो? तुम जरा यहाँ से जाओ। आप उसे पढ़ाई कराना चाहते थे पर पड़ोसी इसे शक की नजर से देखते थे। यहाँ तक कि विभा मैडम तक ये बात पड़ोसियों ने पहुँचा दी। इसी बात से विभा मैडम नाराज हो गयी और उन्होंने काम से निकाल दिया था मुझे। विभा ऐसा कर सकती है, इस पे भरोसा नहीं हो रहा है। 3 दिन पहले मैं आपसे स्कूल फीस के लिए कुछ पैसे उधार लेने के लिए आई थी लेकिन विभा मैडम को वहाँ देखकर मैं वापस लौट गई। ये रख लो और अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाओ। हेलो, तालाब? कौन सा तालाब? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नशे में धूत होकर मैंने अपने इन्हीं पापी हाथों से उसे मार दिया है? ऐसा लग रहा है दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इतनी जल्दी क्यों हार मान रहे हो तुम? खुद पर भरोसा रखो और असली अपराधी कौन है इस बात का पता लगाना चाहिए तुम्हें। वैसे तुम्हारा कोई दुश्मन भी था क्या? यहाँ नहीं तो वहाँ बेंगलोर में? ऐसा सिर्फ लोकी ही है, लेकिन वो भी तो अभी जेल में है। मुझे नहीं लगता उसने ऐसा कुछ किया होगा। SSI की मदद से एक बार लोकी से मिलकर तो देखो। मेरा फोन तो देना। हाँ ये लो। ए नकुल, तुम कहाँ हो? शहर में ही हूँ सर, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। अपनी हेल्प को साइड में रखो। कैंपराज के कहने पर मैं तुम्हें उसे देखने दे रहा हूं। मैं बच्चों की तरह रोने वालों में से नहीं हूं। विभाव को अपना बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। Are you okay? मैं विभा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अपना बना के रहूंगा। बता दूँ, वो और मैं बस फ्रेंड्स हैं, लेकिन तुम हम पर शक करके अपनी खुद की लव स्टोरी के विलन बन गए हो। अब देखो, एक मैनेजर होकर तुम अपने जूनियर के सामने हाथ जोड़कर प्यार की भीख मांग रहे हो। तुम्हारा प्यार अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। इफ यू ट्राई यू कैन गेट हर। पठाओ, ट्रस्ट मी, हैव दिस। जब आदमी नशे में होता है तो अपने दिल की बात आसानी से कह पाता है। अब जाओ जाकर उसे फीलिंग्स के बारे में बताओ। अगर वो मानने को तैयार ना हो तो उसे फिजिकली फोर्स भी करना। अगर इसके बाद भी वो मना कर दे और अगर तुमसे डरकर भागे तो नो प्रॉब्लम। जितना ट्राई कर सकते हो उतनी कोशिश करो। अगर इतना करने के बाद भी जस्ट अगर ऐसा किया तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या? लव इज अ वेरी वेरी डेंजरस डिसएडवांटेज डूड। तुम्हारी बातों में आकर मैंने जो कुछ भी किया आज मैं उसकी सजा जेल में काट रहा हूं। पेपर में, टीवी पर, हर जगह खबर थी कि मैंने उसका रेप करने की कोशिश की।
लोगों के तानों ने भी मेरी माँ का जीना मुश्किल कर दिया था। मेरी माँ ये सदमा झेल नहीं पाई और मुझे अकेला छोड़कर आत्महत्या करके दुनिया से चल बस। मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, मेरा फ्यूचर, तूने सब कुछ मुझसे छीन लिया। अब तू यहाँ क्या करने आया है? मुझे नहीं पता था कि यह सब इस तरह खत्म होगा लोकी। विभा का मर्डर हो चुका है। क्या किसी भी तरह तुम इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो? तुम उस आदमी पर शक कर रहे हो जो अंधेरी दीवारों के बीच अपनी जिंदगी काट रहा है? क्योंकि काला सच उन लोगों को ही सुनने को मिलता है जो अंधेरे में रहते हैं। एक होशियार शतरंज का खिलाड़ी जो हर चाल परफेक्ट प्लानिंग से चलता है। अब देखो कैसे चेकमेट होकर खड़ा हुआ है। मैं ये देख सकता हूं कि तुम उस विभा से कितना ज्यादा प्यार करते थे। मुझे तुम्हारी आंखों में अपने प्यार को खोने का दर्द देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लोकी, मेरे दर्द को समझने की कोशिश कर। दर्द तुमसे 100 गुना ज्यादा था। तुमसे जो सीखा है उसी तरह से मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम अपने दिल की सुन रहे हो, इसीलिए बेवकूफी कर रहे हो। दिमाग का इस्तेमाल करो और जवाब का पता लगाओ। मेरा दिमाग पहले से ही सवालों से घिरा हुआ है और दिल बेचैनी से जल रहा है। अभी तक लोग सोच रहे थे कि विलेन मैं हूं, लेकिन अब पता चलेगा कि असली विलेन मैं नहीं बल्कि कोई और है। गाड़ी स्टार्ट करो रेबेल, मैं जाकर सरेंडर करूंगा। ए, तूने कुछ किया ही नहीं तो सरेंडर क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे देखने का मेरे पास यही आखिरी तरीका है और ऐसा मौका मैं जाने नहीं देना चाहता। हे, क्या कर रहा है? रुक जा। रेबेल, मुझे रोको मत। हे, हे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। हमें सच्चाई का पता लगाना है, तो फिर ये सब क्यों कर रहा है तू? पागल हो गया क्या तू? रुक जा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, समझा ना? तू नहीं जाएगा। ए! 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 तू मुझे बार बार क्यों रोक रहा है? हाँ, जबकि मुझे उसे देखना है। क्योंकि उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था, इतना कि उसे पहचाना भी नहीं जा सकता। अब बता, अब भी तू उसे देखना चाहता है? बताना मुझे। तुम अपने दिल की सुन रहे हो, इसीलिए बेवकूफी कर रहे हो। तुम्हारी वाइफ की बॉडी कहाँ है? नकुल का उसके साथ चक्कर था। किसी ने तुम्हारी वाइफ को नहीं देखा। तुम अपने दिल की सुन रहे हो, इसीलिए बेवकूफी कर रहे हो। विभा ने तलाक मांगा है। वो हर दिन उसे मारता था। हमारी पार्टी होके भी 2 दिन हो गए, हमें खून के निशान मिले। उसका खून बह रहा था, कसम से। यही है वो असली हत्यारा। तुमने अपनी वाइफ को मारा है? उनका खून बह रहा था। तुम्हारी वाइफ की बॉडी मिली है? मैंने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन गांव वालों ने ही आरोप लगाया कि मैं उसे मारता था। उसका खून बह रहा था, वो हर दिन उसे मारता था। डिवोर्स फाइल हो चुका है। वो इसे तलाक देना चाहती थी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। वसीयत के अनुसार अगर वो मर गए तो सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम की। सबूत के मुताबिक विभा को आखिरी बार जितना याद है मैंने ही देखा था। नहीं भाई, जरूर तुम उस वक्त नशे में रहे होंगे। तुम्हें याद नहीं है क्या हमारी मेड ने क्या कहा था जब वो मुझसे पैसे मांगने आई थी और विभा को देखकर वहीं से वापस चली गई थी? हाँ, कहा था। इस प्लानिंग के पीछे आखिर है कौन? इस बिग गेम का कोई एक ही प्लेयर होगा। क्या हो कल हाईवे पे विभा को देखना सच में कोई इल्यूजन ना हो। एक बात तो बिल्कुल तय है, विभा अभी भी जिंदा है।
बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा टैलेंटेड, कोई गलत हैबिट नहीं। मुझे लगा था कि तुम मेरी लाइफ में कदम कदम पर मेरा सपोर्ट करोगे, लेकिन पैसे का स्वाद चखते ही तुम बदल गए। तुमने मेरे पापा की मेहनत की कमाई दोस्तों में उड़ानी शुरू कर दी। बड़े ही प्राउड के साथ तुम अपने दोस्तों के बीच हमारे पैसे उड़ाते थे। तुम्हारी हरकतें देखकर हमारी फैमिली का समाज में नाम खराब हुआ। मैंने तुम्हारे सामने अपनी इच्छाएं बताने की लाख बार कोशिश की, लेकिन कभी तुमने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं तुम्हारे नाम से कंपनी खोलना चाहती हूँ। ये बहुत परफेक्ट रहेगा नकुल, इसकी कॉस्ट भी कम आएगी और रिस्क भी बहुत कम होगा। क्या मैं तुम पर भरोसा करके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ? या, श्योर। तुमने सुना भी मैंने अभी अभी क्या कहा तुमसे? यस। लाइफ में एक बार तो रिस्क लो नकुल। देखो बेबी, जिंदगी बहुत छोटी है और हमारे पास बहुत पैसा है, और इस तरह ऐसे बिजनेस में रिस्क लेने से टेंशन, बीपी, ओबेसिटी, बैक पेन, हार्ट अटैक, यही गिफ्ट में मिलेगा तुम्हें। और मरने के बाद बड़े से फोटो फ्रेम में हम दोनों बैठे होंगे, और हमारे बच्चे जिस पैसे को हम आज दिन रात मेहनत करके कमा रहे हैं, उससे ही वो बड़े मजे के साथ उड़ा रहे होंगे। मैंने सही कहा ना? देखो बेबी, आदमी के पास जब तक दांत है तब तक उसे आई वॉन्ट अ डिवोर्स। यही गुस्सा तेरे बाप के चेहरे पर भी था, फिर उनके साथ क्या हुआ पता है ना? इसलिए होशियार। क्या तुम मेरे पापा के बारे में कैसे जानते हो? नकुल, नकुल आंसर मी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा कोई पुराना राज है। मैंने वृद्धाश्रम तक तुम्हारा पीछा किया। तब मुझे पता चला कि जिसने मेरे मम्मी पापा को मारा था वो तुम ही थे। मैंने कई बार तुम पर गन पॉइंट करके तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे लिए ट्रिगर दबाना आसान नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स मेरी जिंदगी थी और मैं दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हें प्यार करती थी। तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। आपको ये क्या हुआ मैडम जी? ये चोट कैसी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने लोगों के सामने तुम्हारी बुरी इमेज बनाई। थैंक यू आंटी। हमारी लड़ाई हुए बिना ही मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने अपने मरने के बाद प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को देने की विल लिखी। फिर मैं ऐसी बॉडी की तलाश में थी जो मुझसे मैच करती हो, और तुरंत ऐसी बॉडी मुझे मिल गई। मैं मेडिकल टेस्ट के लिए गई और उस बॉडी से अपना ब्लड रिप्लेस कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यूजुअली डाउट आ सकता है, लेकिन मेरी ब्लड रिपोर्ट पूरी तरह से फेक थी, तो मुझे कोई डर नहीं था। मैंने अपनी मेड को घर से निकाल दिया ताकि वो मेरे प्लान के बारे में किसी को बता ना सके। 6 दिनों तक मैं अपने ही घर में बड़ी आसानी से छुपी रही, क्योंकि तुम तो अपनी ही दुनिया में थे, इसलिए तुमने मुझे नोटिस ही नहीं किया। और जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई और सब कुछ सेट हो गया, तब मैंने अपने मर्डर प्लान को अंजाम दिया। तुमने मुझे अनाथ कर दिया। मैं जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, तुमने उन्हें मुझसे छीन लिया, इसलिए मैंने भी तुमसे वो आजादी और खुशी छीन ली जिससे तुम प्यार करते थे।
कौन मानेगा तुम्हारी बात, कौन मानेगा? फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो गया कि बॉडी उसी की है। सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारे खिलाफ। और मैंने तुम्हें बेगुनाह समझकर तुम्हारी मदद की। ओहो थो। गन कहाँ है? गन कहाँ है? मेरे पास है सर, एक जरूरी काम है। हाँ? जिसे मुझे खत्म करना है। हे नकुल, शांत हो जा बेटा। देखो, मेरा डिपार्टमेंट तुम्हारा एनकाउंटर कर देगा। चलो लाओ वो गन, मुझे वापस दे दो। मेरी बात सुनो, सरेंडर कर दो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, नकुल, बता तू, कुछ तो बोल। पुलिस चारों तरफ हमें ढूंढ रही है, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा, नहीं तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे, समझ रहे? तूने गाड़ी क्यों रोकी यहाँ? हे, हे नकुल, अरे कहाँ जा रहे तुम? रुक जा, मेरी खातिर रुक जा नकुल, नकुल। जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा विभा, मैं हर जरूरत में तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। या फिर तुम चाहती हो कि मैं जेल जाऊं तो उसके लिए भी आई एम रेडी, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूं विभा, प्लीज विभा, विभा, विभा। हे, तू यहाँ क्यों आया, बताएगा मुझे? रेबे, देखो इन फूलों को, विभा के अलावा इसे कौन ला सकता है? मैंने बोला था ना कि वो जिंदा है, मेरी विभा अभी भी जिंदा ही है और वो यही कहीं है, यही आसपास ही कहीं है। हे, कंफ्यूज क्यों कर रहा है, जो मन में आ रहा है बोल रहा है तू? अगर वो जिंदा होती तो उसे ये सब करके क्या मिलता, बता मुझे, आखिर वो ये सब करते क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी पापा को मारने वाला मैं ही था।
मुझे नहीं पता था कि ये वही थी, तब तक नहीं जब तक वो मुझे अपने गांव नहीं ले गई। मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव लिखे, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस कार ही जलाने वाला था, लेकिन उसके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा दोनों भी जल गए, वो भी जिंदा जल गए। समझ में आया तुम्हें? मैं बस ये चाहता था कि विभा लोके से नफरत करे, लेकिन उसे जेल हो जाएगी इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। इसमें काफी देर हो गई थी कि मैं उन दोनों को उनके दर्द से बचा पाता रे। अगर तू उससे माफी मांगेगा तो माफ कर देगी वो। माफ तो कर देगी, लेकिन उससे माफी मांगने के बजाय मैं और क्या करते। विभा, इसकी बजाय और क्या करते। तुमने मुझसे प्यार खत्म कर दिया और मेरे पैसों के साथ अपनी गंदी जिंदगी जीना शुरू कर दी। गलती तो सबसे होती है मैडम, इसे उस बात का बुरा लग रहा है और पछतावा भी है इसे। अगर पछतावा ही सारी समस्याओं का हल होता तो फिर सजा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और गलती इतनी छोटी नहीं कि पछतावा करने से ठीक हो जाए। तुमने अपनी जिंदगी में तकलीफ देखी ही नहीं है नकुल, इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ में किसी से कभी प्यार नहीं हुआ। प्यार कभी किसी को तकलीफ नहीं देगा विभा, मेरे जैसा जिसे प्यार का मतलब नहीं पता तकलीफ वही देगा। सही कहा ना, मैं खुद तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हें खोने का डर हो रहा था इसलिए। स्टॉप इट नकुल, मुझे खोने का डर बोलकर पक्का तुम फिर से मुझे फंसाने का सोच रहे हो। तुमने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है। तुम जैसे लोगों को हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए। बात सुनिए मैडम, ऐसा मत बोलिए प्लीज मैडम। यस यस यू आर राइट, मेरे जैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ए नकुल शांत हो जा, जिन्हें मारा मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता। जो खून मेरे हाथ में लगा है वो मरते दम तक नहीं छूटेगा, चाहे कितना भी कुछ कर लो। अब मुझे वाकई तुमसे प्यार भी हो गया है, बट आई एम टू लेट। सारी पुराने बातें भुला कर फिर से साथ में रहना। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? मेरे लिए सच में इम्पॉसिबल है। तो क्या कर रहा है नकुल? टेक दिस गन विभा। नकुल टेक दिस डैम गन एंड शूट मी। मुझे पता है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, नहीं तो कब का कर सकती थी। बट जस्ट रिमेम्बर विभा, जस्ट रिमेम्बर, वो लोकी तुमसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन अपने फायदे के लिए मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू पागल हो गया क्या? लोकी को छोड़ो, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, पता है वो कोई साधारण मौत नहीं मरे थे। वो जिंदा जलने के दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे और रह रहकर मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मुझे आज भी उनके रोने की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। क्यों कर रहा है नकुल? थोड़ी देर में एम्बुलेंस भी आ गई थी। तुम्हारे पापा की बॉडी को पहले बैग में रखा गया था। मैडम मैंने मेरी बात सुनी, लेकिन उस बैग में हैंडल ही नहीं था। तब मैं सोच रहा था कि वो बॉडी को एम्बुलेंस में कैसे डालेंगे, लेकिन उनसे वो काम नहीं हो पाया। फिर उन्होंने मरे हुए कुत्ते की तरह उन्हें घसीटा और उठाकर उस एम्बुलेंस में फेंक दिया। बुरे से बुरे लोगों को भी ऐसी मौत नहीं आती है। क्या कर रहा है नकुल? मैडम गोली मत चलाना। रिमेंबर विभा, जस्ट रिमेंबर, जब किसी का अपना खास मरता है तो लोग हत्यारे को जान से मारने के सपने देखते हैं, लेकिन तुम सब कुछ जानने के बाद भी ऐसा करने से डरती रही। तुम्हारे मम्मी पापा भी सोचते होंगे कि कैसी कायर बेटी को मैंने पैदा किया है। नकुल नहीं नहीं मैडम, नकुल नहीं मैडम। अरे बाप रे नकुल,
विभा मंकागिदे उसिरुनन्निदेया तोरेदंतिदे मैंने ये बोलकर केस को क्लोज करवा दिया कि जेल जाने से डरकर उसने आत्महत्या कर ली है। हेलो हेलो, क्या हुआ? तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है? आपने उसके सारे राज मुझे बताए थे और उससे बदला लेने के लिए भी गाइड किया था, और अब मेरे पछतावे की बात कर रहे हो? आप हंस क्यों रहे हो? सुनना तो तुम्हें सब कुछ था, लेकिन भरोसा कुछ पर ही करना था। मतलब? ये सब आप क्या बोल रहे हो? हेलो, क्यों डैड? मैंने आपको बदला लेने के लिए मना किया था ना, फिर भी आपने किया। तुमने बिना कोई गुनाह किए सजा काटी है। तुमने खुद को अपराधी मान लिया और जमानत भी नहीं ली, पूरी सजा काटने के लिए जेल जाने का फैसला किया। तभी मैंने उस नकुल को जान से मारने का फैसला कर लिया था, इसीलिए मैंने उससे दोस्ती की थी और उसके सारे राज जान गया। मैंने उसे वैसे ही ड्रग्स दिया जैसे उसने तुम्हें ड्रग्स दिया था, और मैंने अपने सारे प्लान को विभा के जरिए पूरा किया। उसने उसे बदला लेने के लिए उसे मार दिया। मैं विभा से प्यार करता था, इसलिए उसे अच्छे से जानता था। आपने सब कुछ उसे बताया सिवाय एक राज के, जो मैं आपसे सुनना चाहता हूं। कर्मा इज ए बिश डैड, वो पलट कर हमारी तरफ भी देखेगा।